प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में सुमार गौशालाओं को लेकर अफसरों की तेज तरार कार्यशैली की बातें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन गौशालाओं को लेकर जो समस्याएं हैं उनका निवारण किस तरह से होता है? क्या अस्थाई और स्थाई गौशालाओं का संचालन पशु चिकित्सा विभाग की ओर से समुचित तरीके से हो रहा है? पंचायतों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है गौशालाओं के संचालन में? इसकी पड़ताल के लिए हमने डीग विकास खंड के ग्राम पंचायत फुलवरिया में दस्तक दी, तो वहाँ पर जो तस्वीर सामने नजर आई वो वाकई में काबिले तारीफ रही। ऐसे समय में जबकि दिक्कतें भूसा को लेकर हैं, हमने पूरे मामले पर खंड विकास अधिकारी से भी बात की है, देखिए। डी के खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को ग्राम पंचायत फुलवरिया स्थित अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ ने ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव से गौशाला संचालन में सामने आ रही दिक्कतों की भी जानकारी ली। इस दौरान ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव ने भूसे की कीमत की दिक्कत का मामला भी उठाया। नमस्कार, इस समय हम विकास खंड डीग के अस्थायी गौशाला फुलवरिया में मौजूद हैं। देवी प्रसाद यादव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ग्राम प्रधान हैं फुलवरिया के, और प्रधान के साथ साथ गौ सेवक की भूमिका निभाते रहे हैं। अगर हम बात करें डीग के अस्थायी अस्थायी सभी गौशालाओं की बात करें, चाहे वो किराए पर हों या निजी जमीन पर संचालित हो रहे हैं ग्राम पंचायतों के, तो सभी गौशालाओं में डीग की ये गौशाला जो फुलवरिया की आप देख रहे हैं इन गौओं को, यहाँ की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। अफसर भी यहाँ दस्तक देते रहते हैं, खंड विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी लगातार यहाँ दस्तक देते रहे हैं। जनपद के अधिकारियों की बात करें तो मुख्य विकास अधिकारी का लगातार यहाँ आगमन होता है, मुख्य विकास अधिकारी की धर्मपत्नी भी यहाँ दस्तक दे चुकी हैं, तो कुल मिला के फुलवरिया का ये गौशाला वाकई में भदोही जनपद के अन्य गौशालाओं से न सिर्फ भिन्न है, बल्कि यहाँ के ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव गौ सेवक की सच्ची भूमिका में भी हैं। शायद यही कारण रहा है कि यहाँ दस्तक देने वाले हर अफसर इस गौशाला की सराहना करने से नहीं चूकते हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अस्थायी गौशाला है, अभी हाल में मनरेगा के तहत यहाँ बैरिकेटिंग कराई गई है, नरेगा यानी मनरेगा के तहत यहाँ पे कंक्रीट के पोल लगाए गए हैं, साथ ही तारों का यहाँ घेराबंदी किया गया है। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ने फुलवरिया स्थित गौशाला का निरीक्षण किया, क्या दिक्कतें रही, हमने पूरे मामले पर ग्राम प्रधान फुलवरिया देवी प्रसाद यादव से बात किया है, उन्होंने भूसे की समस्या को सामने रखा, सुनिए। दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है, सरकार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पैसा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन 30 रुपया बहुत कम है। 30 रुपये अभी इस समय हम लोग प्रेजेंट में 12 रुपया किलो भूसा खरीद के खिला रहे हैं, तो 2.5 किलो भूसा नहीं हो रहा है। एक जानवर के इतने बड़े बड़े जानवर हैं तो किस तरह से खिलाया जाए, और उसके बावजूद उसके साथ साथ 3-3 मजदूर रखे हुए हैं, उनको कैसे दिया जाए। और इसमें ये है कि कुछ तो मतलब समरसेबुल है, कहीं समरसेबुल जल जाता है, कहीं केबल जल जाता है, कहीं लाइट जल जाती है, कुछ उनको दिक्कतें आती रहती है, तो कितना हम लोग कैसे चलाएँ और क्या करें, यही प्रॉब्लम। क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से, क्या व्यवस्थाएँ हों कि गौशाला में जो कठिनाई है ऐसा कुछ बढ़ाया जाए, नहीं कह रहे हैं कुछ भी बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए, क्योंकि ये 30 रुपये में कैसे चलेगा गौशाला। आप सुनिए डीग के बीडीओ ने क्या कहा। गौशाला का निरीक्षण किया है, क्या तस्वीर सामने आई? गौशाला निरीक्षण में तस्वीर सामने क्या आ रहा है, गौशाला में पशु हमारे सारे ठीक ठाक अच्छी पोजीशन में है, गौशाला की व्यवस्था भी ठीक है, गौशाला की बैरिकेटिंग भी पूर्ण हो गई जिससे पशु बाहर नहीं जा रहे हैं, और गौशाला में पशुओं के गोबर के जो वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा से हो गया है, कि वर्मी कंपोस्ट बन जाने से खाद हमारी गोबर का उपयोग हो जा रहा है जिससे खाद बन जा रही है, और पशुओं की पहले के हिसाब से काफ़ी उनकी स्थिति सुधरी हुई है, और इस समय पशुओं के चारे का भी स्टॉक गौशाला में पूर्ण मात्रा में है, और हरे चारे का भी प्रबंध
ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। विकासखंड डीग में समय कुल 6 अस्थायी गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत फुलवरिया की गौशाला सबसे अव्वल है। हालांकि वीडियो के निरीक्षण के बाद हमने ग्राम प्रधान से बात की तो सबसे बड़ी समस्या भूसे की कीमत के रूप में ही सामने आई है।